अवेंजर्स एंड गेम मूवी में आखिर सबसे पावरफुल अवेंजर कौन था, चलिए बताता हूँ। लेकिन और से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नंबर 10 पर था एंटमैन, जिसने अपने पंचेस का यूज करके लेविथन को ढेर कर दिया था। नंबर 9 पर था ब्लैक पैंथर, क्योंकि उसके पास था वाइब्रेनियम सूट और उसकी फाइटिंग स्किल्स। नंबर 8 पर आता है स्पाइडरमैन, जिसने आयरन स्पाइडर सूट की हेल्प से चित्तौरी आर्मी के बहुत से मेंबर्स को मारा था। इसके बाद बारी आती है हल्क की, जो कि इस मूवी में स्मार्ट हल्क था और इसी की वजह से यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस आ पाई। नंबर 6 आयरन मैन, ये वही बंदा था जिसने टाइम मशीन और इन्फिनिटी गाउंटलेट का यूज के मूवी की एंडिंग में अवेंजर्स को जीत दिलाई। नंबर 5 पे था थॉर, क्योंकि पूरी मूवी में थॉर डिप्रेशन में था, लेकिन मूवी की एंडिंग में इसके पास म्योलनियर और स्टॉर्म ब्रेकर था। नंबर 4 पर आते हैं कैप्टन अमेरिका, जिन्होंने स्टार्टिंग में खुद को और बाद में मूवी के एंडिंग में म्योलनियर को लिफ्ट करके थैनोस को पेला। इसके बाद आती है कैप्टन मार्वल, जिसने थैनोस के शिप के साथ साथ कई हद तक थैनोस को भी फोड़ा। नंबर 2 वांडा, ये अकेले ही थैनोस को मार देती अगर थैनोस चीटिंग नहीं करता। अब भाई लास्ट में नंबर 1 पर आने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नंबर 1 पर आता है डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि अकेले ही थैनोस और उसकी